किसान भाइयों नमस्कार, मैं विकास गौड़ रियल फार्मर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा 31 जुलाई 2024 तक इस समय बंगाल में निकासी कितनी हो चुकी है, और मैं आपको बंगाल की जो जानकारी दूंगा 2023 से लेकर 2024 तक का पूरा आंकड़ा बताऊंगा कि 2023 में कितनी निकासी हुई, 2020 में कितनी निकासी हुई और 2024 में कितनी निकासी हुई। तीनों साल का बताऊंगा, 2020 का भी बताऊंगा, 2023 का बताऊंगा और 24 का बताऊंगा। और मैं आपको इसमें यह जानकारी भी दूंगा कि 2019 से लेकर 2024 तक सबसे ज़्यादा निकासी कौन से टाइम पे हुई है, ये भी आपको पूरी जानकारी बंगाल के बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन बंगाल में इस समय आप पहले कंडीशन समझिए चल क्या रहा है। इस समय बंगाल में काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है, वहाँ पे सरकार के खिलाफ भी काफ़ी जो किसान हैं वो सड़कों पे इस समय हंगामा कर रहे हैं, और किसानों की जो मांग है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जायज हैं। क्योंकि किसानों की मांग इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर को पूरी तरह सील कर दिया गया है, किसानों का आलू वहाँ पे काफ़ी सस्ते रेट में लिया जा रहा है। और सबसे बड़ी परेशानी नॉर्थ बंगाल में है, क्योंकि नॉर्थ बंगाल के जितने भी किसान भाई हैं उनका आलू असम में सबसे ज़्यादा जाता है, और असम का पूरा बॉर्डर सील है और नॉर्थ बंगाल में ही सबसे ज़्यादा आलू बाहर के लिए जाता है। और नॉर्थ बंगाल का आलू जब बाहर नहीं जाएगा तो प्रॉब्लम तो आएगी, और इसी वजह से नॉर्थ बंगाल में निकासी भी कम आ रही है और बहुत कुछ प्रॉब्लम सामने देखने को मिल रही हैं। आप जो देख पा रहे हो बंगाल के किसान इतनी महंगाई में भी अपने आलू को सड़क पर फेंक का विरोध कर रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है बंगाल में जैसे कि 2023 वाली साल हो या 2021 वाली साल हो, 2021 वाली साल लग रही है इस समय बंगाल में, जो सड़कों पर फेंक कर किसान भाई हंगामा कर रहे हैं। यहाँ पर किसान भाइयों के मतलब सामने बहुत बड़ी कंडीशन है आलू में पैसा कमाना बंगाल में, क्योंकि किसान भाइयों का पैसा बहुत लगा है लेकिन उनको मिल कुछ नहीं रहा। अब मैं आपके लिए सीधा रिपोर्टिंग पे आता हूँ, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी जानकारी और बता दूँ। मैं काफ़ी लोगों की कमेंट पढ़ रहा हूँ, जो मैंने यूपी की निकासी रिपोर्ट डाली थी उसमें काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि आप जो परसेंटेज निकाल लियो 100 से निकाल लियो, कोल्ड तो 80% भरें। तो यहाँ पर मेरी बात को समझिए, पहले परसेंटेज हमेशा 100 से निकलती है चाहे आपका कोल्ड कितना भी भरा हो। और यहाँ पर नई बात सुन लीजिए, अगर आपका कोल्ड 2 लाख कैपेसिटी का है, अगर उसमें 1,70,000 पैकेट आया है, तो आप इसको मानोगे कि आपका कोल्ड लगभग जो भरा है वो आपका 85% भरा है, आप इसको मान सकते हो 85% भरा है। जब आप इसकी निकासी की जो एनालिसिस करोगे तो आप इस तरीके से करोगे कि 1,70,000 में से कितने निकले, तो उसके हिसाब से जो निकासी का रेशियो आएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो 100 से ही निकासी का रेशियो निकलता है। जैसे कि मान के चलो आपका एक कोल्ड है 100% भरा हुआ, एक कोल्ड है 80% भरा हुआ, अगर आपसे ये पूछा जाए कि दोनों कोल्ड का 25% क्या है, तो 100% वाले का 25% 25,000 रहेगा और 80% वाले का 25% 20,000 पैकेट रहेगा। अब मुझे आप बताइए, मैं अगर आपको दोनों तरीके से बता रहा हूँ, अगर आप 80% वाले का मानोगे तो फिर आलू कम है 20,000 ही है, और अगर 100% में से 25% मानोगे तो 25,000 पैकेट है, 5,000 पैकेट का यह अंतर आ गया ऑटोमेटिकली। तो इस समय जो निकासी की रिपोर्ट मैं दे रहा हूँ ये 100 में से निकलती है, आप इस भ्रम में ना रहें कि 80% या 70% कोल्ड भरे हैं तो किस किस तरीके से निकल रही है, ये फॉर्मूला यही है 100% वाला ही, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ बंगाल में इस समय जो डिस्ट्रिक्ट हैं, देखिए सबसे पहले बंगाल की एक नई बात और सुन लीजिए, बंगाल में 2 पोजीशन है, एक है साउथ बंगाल एक है नॉर्थ बंगाल। नॉर्थ बंगाल में आलू काफ़ी कम रहता है, साउथ बंगाल में सबसे ज़्यादा आलू होता है, साउथ बंगाल में 9-10 करोड़ आलू रहता है और नॉर्थ बंगाल में 2-3 करोड़ के आसपास आलू रहता है, तो वहाँ पे ये सब काम होते हैं। तो पहले मैं आपको बताऊंगा साउथ बंगाल के जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें कितनी निकासी हुई है, आपको 2020 2023 और 2024 तीनों बताऊंगा, ठीक है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, एक एक चीज़ समझना। बांकुड़ा की बात करते हैं जो साउथ बंगाल में है, बांकुड़ा में 2020 में 37% निकासी हुई थी जुलाई तक, मतलब 31 जुलाई तक जो 2020 में हुई थी वो हुई थी 37% और 2023 में हुई थी 33%, अब 2024 में हुई है 35%। कहने का मतलब आपका जो निकासी का रेशियो है 2023 से तो ज़्यादा है लेकिन 2020 से यहाँ पे 2% कम है। अब बात करते हैं बीरभूमि की, बीरभूमि में 2020 में 36% निकासी हुई थी जुलाई तक और 2023 में 31% हुई थी और 2024 में 36%, मतलब 2020 के मुकाबले पर निकासी बिल्कुल चल रही है।
अच्छा नई बात और सुन लीजिए, ये निकासी तब बराबर चल रही है 2020 के जब वहाँ पे इतना बड़ा बहुत बड़ा हंगामा हुआ है। अगर यहाँ पे बंगाल में बॉर्डर को नहीं रोका जाता तो निकासी सारे रिकॉर्ड तोड़ देती, आलू भी सभी रिकॉर्ड तोड़ देता बंगाल में। कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को इस चीज़ की भनक लग गई थी कि आलू में बंगाल में कुछ भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। सबसे बड़ा धमाका जो मैं आपको बार बार बोल रहा था वो बंगाल में ही होता, बहुत तगड़ा धमाका होता भाई, जिस तरीके से वहाँ निकासी उस समय चल रही थी। हमारा रेशियो था 45% निकासी के आसपास का उस समय, यानी 42 से 45% की निकासी का रेशियो था उस समय। अगर वो काम हो जाता तो बंगाल सबसे बड़ा धमाका करता उस समय, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे वर्तमान की। वर्तमान में 2020 में 36% निकासी हुई है, 2023 में 30% निकासी हुई थी, अब 2024 में 34% निकासी हुई है। यहाँ पे भी लगभग 2020 के ही लगभग चल रहे हैं हम। बात करते हैं हुगली की। हुगली में 2020 में जुलाई तक निकासी 35% हुई थी, अब 2024 में 36.5% निकासी हुई है, मतलब 1.5% और ज़्यादा, 2020 से भी ज़्यादा 1.5%। और 2023 में 32% हुई थी, कहने का मतलब 2020 में 35%, 2023 में 32% और 2024 में 36.5%, सबसे ज़्यादा 2024 में ही हुई है हुगली में। हावड़ा की बात करते हैं, हावड़ा में 2020 में मात्र 30% निकासी थी 2020 में, लेकिन 2023 में 31% थी, केवल 1% ज़्यादा 2020 से। लेकिन 2024 का सुनोगे आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, 38.5% की निकासी रिपोर्ट है, 38.5% की हावड़ा की। अब मैं बात करता हूँ मेदनापुर की। मेदनापुर में 2020 में 41% निकासी थी और 2023 में 37% निकासी थी, अब 2024 में 39% निकासी है, वही 2020 के लमसम 1-2% का ही रेशियो है। मुर्शिदाबाद की बात करें, मुर्शिदाबाद में 2020 में 38% निकासी थी, 2023 में 32% निकासी थी, अब 2024 में 36% निकासी है। कहने का मतलब यहाँ पे भी 1-2% का ही ऊपर नीचे देखने को मिल रहा है। अब ये किसान भाइयों साउथ बंगाल के क्षेत्र हैं। अब मैं बात करता हूँ नॉर्थ बंगाल की, जो पूरा नॉर्थ बंगाल एक ही में आ जाता है। नॉर्थ बंगाल में जो 2020 में निकासी हुई थी वो हुई थी 39%, 2023 में हुई थी 32%, यानी 2023 में 32, 2020 में 39। अब भाई 2024 की सुनोगे तो आपको बहुत बुरा लगेगा, मात्र 29% निकासी नॉर्थ बंगाल में, 10% निकासी कम हुई है नॉर्थ बंगाल में। कारण क्या है? बस यही कारण है, आलू जाने नहीं दिया जा रहा है। नॉर्थ बंगाल का आलू सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट, मतलब बाहर जाता है, बाहर के राज्यों में जाता है, असम की साइड में, भूटान में भी नॉर्थ बंगाल का ही आलू गया था, असम, मेघालय, त्रिपुरा, इधर के पूरे क्षेत्र में यही खिलाता है नॉर्थ बंगाल। अब यहीं का आलू बाहर नहीं जाएगा तो आपको पता है दिक्कत तो भाई होगी। और इसी वजह से अभी जो हंगामा हो रहा है बंगाल में वो नॉर्थ बंगाल के ही किसान कर रहे हैं। कभी लाल आलू को सड़क पे फेंकते हैं, कभी सफ़ेद आलू को फेंकते हैं, वहाँ पे ज्योति पुखराज, लेकिन लाल आलू ज़्यादा होता है वहाँ पे। तो किसान भाइयों की बंगाल में बहुत बुरी स्थिति है इस समय। अब भाई सरकार का तो अपना अलग नियम है, ठीक है, सरकार के लिए एकर चुनौती ये है कि सरकार जिन राज्यों के लिए बॉर्डर खोलती है उन्हीं राज्यों में इस समय बीजेपी की सरकार है। अगर और किसी की सरकार होती तो थोड़ा सरकार सोच भी लेती। इस समय असम में भी बीजेपी की सरकार है, उड़ीसा में भी बीजेपी की सरकार है। हालांकि मैं राजनीति वाली बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सच है, सरकार दोनों तरफ बीजेपी की है। अब देखिए यहाँ पर एक और नई बात समझिए बंगाल के बारे में, टोटल समझ लीजिए। टोटल 2020 में जो निकासी हुई थी 37% हुई थी 2020 में बंगाल की टोटल निकासी जुलाई महीने तक, यानी जुलाई 31 जुलाई तक, अब 2023 में हुई थी यहाँ पे 33%, मतलब 2020 में 37% और जो 2023 में 33%, अब 2024 में यहाँ पे 35% निकासी आई है, 2024 में 35% निकासी आई है। कुछ लोग इस निकासी को लगभग 36% बता रहे हैं, बंगाल के कुछ जो विद्वान लोग हैं वो 36.5 तक बता रहे हैं, लेकिन इस समय आंकड़ा जो आया है वो 35 का आया है। और पिछली साल से, मतलब 2023 से तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन 2020 से 3% यहाँ पर निकासी, 2% निकासी है, कम है 2020 से, केवल 2020 से 2%। अब बताइए आलू अपना 2000 का रिकॉर्ड ही तोड़ने के लिए आगे बढ़ रहा था, यहाँ पे अगर ये हंगामा नहीं होता तो आप बताइए निकासी कितनी होती बंगाल की, नीचे कमेंट में बताना। मेरे हिसाब से तो निकासी 40+ होती इस समय, जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड होता आज की डेट में। अब बंगाल के बारे में एक और नई बात सुन लीजिए।
बंगाल में 2019 से लेकर 2024 तक जुलाई महीने तक 40% निकासी कभी नहीं हुई, मतलब टोटल निकासी 40% नहीं हुई है। 2020 में सबसे ज़्यादा हुई थी 37%, बाकी हर साल वही 30%, 35%, 32%, 36% यहीं तक रेशियो घूमता है। लेकिन 2024 में 40+ होती, जो अपना इतिहास बना देती निकासी, ये भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो भैया सीधी सी बात है, इस समय आलू को आगे बढ़ने से रोका गया है। 2024 में आलू किसी पर रुकने वाला नहीं था, लेकिन इस आलू को रोका गया है, तब जाके आपको ये भाव मिल रहा है। अगर खुली छूट रहती ना 2020 की तरह या और भी सालों की तरह, तो आपका आलू किसी के हाथ नहीं आता, सभी रिकॉर्ड तोड़ देता। मतलब आलू को इतना ज़्यादा रोकने के बाद ये हाल है। अब सोचिए 2020 में, 2021 में, 2023 में, इन सालों में आलू को किसी ने नहीं रोका था, तब जाके निकासी हुई थी। इस समय आलू को रोका जा रहा है, तब जाके इतनी निकासी हो रही है। तो भैया खबर तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। निकासी समय भी बंगाल में अभी तक सही चल रही है, लगभग यूपी के ही बराबर में निकासी का रेशियो इस समय आया है। तो देखते हैं कौन से स्टेट में जल्दी तेजी आती है। तो किसान भाइयों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विकास गौड़, नमस्कार।